Gulam Nabi Azad Rajinama Chedam Pai Congress Naikul Spandin Sharu. Gulam Nabi Azad Rajinama Chedam, Tradrista Karamani, Jairam Ramesh and Naru. Azad Rasina Lekanu, Tanu Chadivanani and Naru. Congress Praja Samasila Pai, Poratunana Jairam Ramesh, Praja Porat and Chedam, Azad Kustan Lane at Lun than Naru. Veteran Congress leader Shri Gulam Nabi Azad ji, that has been released to the media. It is most unfortunate and most regrettable that this has happened when the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, and the entire Congress party organization across the country is engaged in confronting, combating, fighting the BJP on issues of mehngai, on issues of berozgari, and on issues of polarization. The entire Congress party organization in the last couple of weeks has been involved in preparing for the Mehngai Par Halla Bol rally at Ramlila Maidan on September 4th, which will be addressed by Sri Rahul Gandhi ji. 22 press conferences have been scheduled across the country on the 29th of this month. The Bharat Jodo Yatra launch will take place on the 7th of September from Kanyakumari. Finalization of that launch is also underway. And 32 press conferences have been scheduled across the country to project the message of the Bharat Jodo Yatra. So at a time when every congressman and every congresswoman is involved in ensuring that the Mehngai Par Halla Bol rally will be a success, and every congressman and congresswoman wants to be a Bharat Yatri, wants to walk along with Sri Rahul Gandhi ji on this 3,500 kilometer long Bharat Jodo Yatra. Azad sahab ka letter aur unke istife ko hum logon ne media ke andar dekha. To aaj ki hamari press warta isi ke upar hai. और दिल्ली के मसले के ऊपर कल फिर से हम लोग प्रेस वार्ता करके अलग से उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे. जैसे मैंने कहा कि आजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है. आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया. लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है, और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है, हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं, 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं. दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है. हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है. तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते. दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, ये बड़े दुख की बात.